वेलकम टू माई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 0321-5838-264। यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग इज द नेम ऑफ द माई यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एलजेब्रिक फार्मूलाज, यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 12 का अपलोड होगा। इफ 3x plus 1/3x is equal to 5, then find the value of 27x cube plus 1/27x cube. Solution देखिए, 3x plus 1/3x का value given है, that is 3, और 27x cube plus 1/27x cube का value हमने find करना है. इसमें जो formula use होगा वो होगा आपके पास a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. अब यहाँ पे दो स्टेप्स पे आपको काम करना पड़ेगा। पहले स्टेप में आप a को रिप्लेस करेंगे x के साथ और b को 1/x के साथ। अब देखें, यहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ मैंने x लिख दिया और जहाँ b था वहाँ पे मैंने 1/x लिख दिया। बस सारे फार्मूले में आप देख सकते हैं। अब दोबारा हमें फाइंड करना है 3x plus 1/3x। अगेन आप x को रिप्लेस कर दें 3x के साथ और 1/x को 3x के साथ। डायरेक्ट भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये बात समझ नहीं आई कि इसको कैसे हमने कन्वर्ट किया। इसलिए मैंने पहले स्टेप लिखा फार्मूला, फार्मूला लिखने के बाद मैंने x और 1/x में खुद से इसको कन्वर्ट किया ताकि आपको बात समझ आ जाए। देन हमने रिप्लेस कर दिया एक्स को 3x के साथ और 1/x को 1/3x के साथ रिप्लेस कर दिया। अब आप देखें 3x इसका वैल्यू गिवन है, दैट इज 5, और इससे पहले 3x होल क्यूब आपके पास 27x क्यूब हो जाएंगे और 1/3x होल क्यूब हो जाएंगे 1/27x क्यूब। यहाँ पे x और x का आपस में हो जाएगा कैंसिलेशन, 3 बचेगा और 3 के बाद इन 3x इंटू 1/3x। ये 3x plus 1/3x का वैल्यू नोन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप ले लेंगे 5 का क्यूब और यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू प्लग कर देंगे। अब 5 क्यूब मीन 125 और ये 27x क्यूब उसी तरह हम लिख देंगे और 1/27x क्यूब उसी तरह से आ जाएगा और प्लस 3 5 15। अब ये 15 यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे लाइक दिस, ये पॉजिटिव है इधर जाकर माइनस 15 हो जाएगा। 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। अभी 125 से जब हम 15 माइनस करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 110। 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 110, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो का एंड होता है। अगर आप रिव्यू करना चाहें तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, राइट डाउन करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को, आप सॉल्यूशन को राइट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि क्लैरिटी के साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड करूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप मेरे चैनल में कॉमेंट करके अपनी क्यूरी का रिप्लाई मुझसे ले सकते हैं। ये आप सारा राइट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने ईच एंड एवरी स्टेप बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको समझा दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑनलाइन टीचिंग के लिए मैंने अपना नंबर भी नोट कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की कोई एजुकेशनल गाइडलाइन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का एंड होता है। Thank you very much.